राजनांदगांव जिले में पंचायत सचिवों की तबादला सूची लीक होने का मामला सामने आया है, जिसमें भाजयुमों ने पंचायत का घेराव किया और मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं भाजयुमों ने तबादलों के बदले कांग्रेसियों पर पंचायत सचिवों का ट्रांसफर करने में लेनदेन का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भाजयुमों ने सीओ को ज्ञापन सौंपा है। निकाल ली गई है और जिला पंचायत के कुछ दलाल हैं वो सचिवों से संपर्क कर रहे हैं कि ये देखो ये नोटशीट है, तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, तुम्हें यहाँ रुकवाना है या मनवांछित जगह पे जाना है। 35,000 से 50,000 रुपए मांगकर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। कल एक वायरल हुआ नोटशीट जिसपे एक्चुअली अध्यक्ष के कुछ नाम थे सचिवों के जो उन्होंने प्रस्ताव में दिए थे, उसको चेंज करना है बोल के। क्योंकि वो नोटशीट वायरल हुई तो दैट कंप्लेंट हैज कम कि उसमें लोग वसूली कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इसमें ये है कि जो जिसने लीक किया है यहाँ से उसकी मैं जांच करूंगी अभी।